अर्पा रेडियो द्वारा प्रस्तुत है टॉकचीत विद अरुण सीजन वन में सुनिए देश के अलग अलग शहरों के रंगमंच कलाकारों के साथ रंगमंच से जुड़े विभिन्न विषयों पर सामूहिक बातचीत। नमस्कार, सलाम, जय जोहार। अर्पा रेडियो के कार्यक्रम टॉक चित विद अरुण सीजन वन में मैं अरुण भांगे आप सभी रंगकर्मियों और श्रोताओं का स्वागत करता हूं। आज इस टॉक चित में हमारे साथ शामिल हैं नीरज मूर्ति पुणे महाराष्ट्र से, चित्रांश श्रीवास्तव भिलाई छत्तीसगढ़ से, भूपेंद्र सेठिया कोंडा गांव छत्तीसगढ़ से। आप तीनों रंगकर्मियों का बहुत बहुत स्वागत है। हम अपनी टॉकचीट शुरू करें इससे पहले हम आप सभी को कार्यक्रम में शामिल रंगकर्मियों का परिचय दे दें। नीरज मूर्ति पुणे महाराष्ट्र से हैं। इनका रंगमंच का सफर शुरू हुआ गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से। इन्होंने यहाँ पर अर्चिन्स नाम से ग्रुप की स्थापना की और इस ग्रुप में ही उन्होंने कई नाटक खेले, लिखे, निर्देशित किए। इसके साथ ही बिलासपुर में ही अग्रज नाट्य दल के साथ कलाकार के रूप में जुड़कर काम किया और वापस ये पुणे जाकर स्वतंत्र थिएटर से थिएटर पर डिप्लोमा प्राप्त कर इंटरनेशनल करिकुलम में ड्रामा के इंस्ट्रक्टर हैं। लेखक, अभिनेता और निर्देशक भी हैं। इनकी उपलब्धि एक ये भी है कि शेखर सुमन द्वारा खेले जाने वाले एक नाटक एक हाथ जो मंटो पर आधारित है कि स्क्रिप्ट में इनका विशेष योगदान है। नीरज मूर्ति जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ चित्रांश श्रीवास्तव जुड़े हैं। चित्रांश भिलाई छत्तीसगढ़ से हैं। इप्टा भिलाई के ये सदस्य हैं। पिछले 4 सालों से रंगमंच में सक्रिय हैं। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से थिएटर में ग्रेजुएशन किया है इन्होंने। आगे थिएटर इन एजुकेशन पे काम करना चाहते हैं। अभिनय निर्देशन में इनकी विशेष रुचि है। चित्रांश जी, आपका भी स्वागत है। धन्यवाद। साथ ही हमारे भूपेंद्र सेठिया हैं। भूपेंद्र सेठिया कोंडा गांव छत्तीसगढ़ से हैं और वो एक अभिनेता हैं। इन्होंने इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से थिएटर में मास्टर्स की डिग्री ली है। ये लगातार सीख रहे हैं। भूपेंद्र जी को जहां भी मौका मिलता है सीखने का वो लगातार सीखते हैं, सीख रहे हैं। अपने आसपास के और अपने आसपास के गांव के बच्चों के साथ ये लगातार काम कर रहे हैं। उनको नाटक सिखा रहे हैं, उनके साथ नाटक कर रहे हैं। भूपेंद्र सेठिया जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे रंगकर्मी साथियों के परिचय के बाद चलिए आज की टॉक चीत के विषय से रूबरू कराते हैं। आज की हमारी टॉक चीत का विषय है रंगमंच करने के लिए या करते हुए पढ़ना कितना जरूरी है। तो इस पे बात करने के लिए सबसे पहले भूपेंद्र अपनी राय रखें, वो इस विषय पर क्या सोचते हैं। भूपेंद्र सेठिया से। जी अरुण सर, थिएटर करने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे जीने के हिसाब से ना जरूरी है, तो उसी तरह थिएटर करने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप सांस नहीं लेंगे आपकी मृत्यु हो सकती है। एक उसी तरह अगर थिएटर का कलाकार पढ़ता नहीं है तो थिएटर की मृत्यु हो जाएगी जी। इसलिए मेरा मानना है कि थिएटर करने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ना एक तरह से रिसीव करना, जब हम कोई चीज पढ़ते हैं तो हम रिसीव करते हैं, चीजों को ग्रहण करते हैं। थिएटर एक ऐसी कला है जिसमें गिविंग और रिसीविंग ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप रिसीव करते हैं कहाँ से, साहित्य से, समाज को पढ़ते हैं, समाज के लोगों को पढ़ते हैं, अपन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कविता पढ़ते हैं, नाटक पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं, जो कुछ भी पढ़ते हैं हम रिसीव करते हैं। जब हम इसे रिसीव करते हैं तभी हम जब नाटक करते हैं तो ऑडियंस को कुछ दे पाते हैं। ये गिविंग का काम है, देने का काम होता है। बिल्कुल, पढ़ना बहुत जरूरी है। जब हम कोई नाटक पढ़ रहे हैं तो हमें चरित्र दिखता है, कोई घटना दिखती है, दृश्य दिखते हैं, बहुत सारी चीजें दिखती हैं। बिल्कुल, नाटक में ये आएगा कहाँ से, ये सारी चीजें आएंगी कहाँ से, ये पढ़ने से आएंगी। पढ़ना इन द सेंस दो चीजों को पढ़ना, नाटक कहानी कविता को पढ़ो और खुद जाके मार्केट में या फिर चौराहे पर लोगों को पढ़ो। बहुत बढ़िया। थिएटर कलाकार पूरी जिंदगी पढ़ता है, पढ़ के रिसीव करता है और नाटक करके ऑडियंस को देता है। तो मेरा मानना है अरुण सर, थिएटर करने के लिए पढ़ना उतना ही जरूरी है जितना जीने के लिए सांस लेना जरूरी है। जी जी, तो पढ़कर हम बहुत कुछ लेते हैं, फिर ड्रामा के माध्यम से, रंगमंच के माध्यम से हम लोगों को फिर बहुत कुछ दे पाते, तो हम जितना देंगे उतना ही दे भी पाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात के साथ में हम इसको आगे बढ़ाते हैं।
तो मैं इसके बाद चित्रांश श्रीवास्तव जी जो भिलाई से हैं, उनकी राय जानना चाहूंगा। जब थिएटर करते हैं या कर रहे हैं तो हमको पढ़ना कितना जरूरी है? सर नमस्ते। नमस्कार। थिएटर करने के लिए पढ़ना सबसे जरूरी चीज है, उसका एक बहुत, क्योंकि देखो मैं भूपेंद्र की बात को आगे बढ़ाते हुए बात करता हूँ। थिएटर करने के लिए पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि थिएटर एक ऐसा माध्यम है जिससे लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। हम एक नाटक देखते हैं और हम उसे जीवंत मानते हैं, हम सोचते हैं कि अगली घटना है। बिल्कुल। और अगर करने वाला निर्देशक या एक्टर उस चीज के तत्व को नहीं जानेंगे, वो उस चीज को लेकर इन्फॉर्मेटिव नहीं होंगे, जैसे कि मान लो हम कोई नाटक कर रहे हैं गांधी के ऊपर, हमें गांधी ही नहीं पता, तो हम सीधी सी बात है वहां पे जाके शो कुछ अजीब ही करेंगे, हम झूठा गांधी दिखाएंगे वहां, जो एक्चुअली था ही नहीं, कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो हम कहीं ना कहीं समाज को एक झूठ दे रहे हैं, झूठी चीज हम उनको सौंप रहे हैं। तो इसीलिए पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि थिएटर कुल मिला के एजुकेशन का माध्यम है। ऑडियंस जो देखती है वो सीखती है, जैसे कि हम भी नॉर्मल लाइफ में आदमी देख के सीखता है, वो देख के सीखने वाले का सबसे बड़ा जो फॉर्म है वो थिएटर है एक्चुअली। तो हमारा काम है सिखाना और कुछ बताना, हम केवल नाच गाना करने के लिए नहीं है। ऐसा मुझे लगता है कि हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है एक रंगमंच वालों की, हम लोगों को बहुत कुछ बता रहे होते हैं। तो जब हम कुछ बता रहे हैं तो हमें पहले कुछ पता होना चाहिए, तभी हम कुछ बता पाएंगे। इसलिए एक रंगकर्मी को पढ़ना बहुत जरूरी होता है, और बिना पढ़े रंगकर्म नहीं हो सकता। बहुत सही तरीके से आपने बताया है, हमको पढ़ते रहना, खुद को अपडेट करते रहना बहुत जरूरी है, तभी हम बेहतर रंगमंच कर पाएंगे। जी नीरज मूर्ति जी पुणे से हमारे साथ में है। नीरज जी, दोनों की बात को आगे बढ़ाते हुए, मैं पढ़ना बहुत जरूरी है। सबसे अहम बात यह है क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा पढ़ते हैं तो आपको संदर्भ समझ में आता है, जिसको हम कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं, कि जैसे अगर मैं कोई बात बोल रहा हूँ तो उसके संदर्भ में बात बोल रहा हूँ। तो उसके लिए सिर्फ नाटक या फिक्शन ही सिर्फ पढ़ना जरूरी नहीं है, उसके लिए हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो जो एक्टर है वो रिसर्च करे, बॉडी पे रिसर्च करे, वो बायोलॉजी पढ़े, वो इंजीनियरिंग पढ़े, वो तमाम हर चीज पढ़े जो उसके हाथ में आ जाए। एक एक्टर एक भूखा शेर होता है जो किताब खाता है, ऐसा हमारे शिक्षक कहते थे, जो उसको किताब खानी चाहिए वो, और सिर्फ खाके ऐसे निकाल देनी नहीं है, वो पूरा रस शरीर में आ जाना चाहिए। एक्टर का स्ट्रेंथ इतना होना चाहिए कि वो जब किताब पढ़ लेता है तो उसके संदर्भ को अपने दिमाग में बिठा के हर जगह से सोच पाए। एक एक्टर जो सोसाइटी में रोल प्ले करता है वो एक ओपन माइंडेड खुली विचारधारा वाला आदमी जो हर सबके दूसरों में जा सकता है और सबके दृष्टिकोण से एक सिचुएशन को देखकर खुद अपनी भी राय रख सकता है। तो वो जो आपने पढ़ा है वही है जो आप खर्च करते हैं। तो जो लोग सोचते हैं कि पढ़ना बहुत बोझिल है या कौन पढ़े, पढ़ने में समय जाता है, तो वो उनको समझना चाहिए कि असली जो कमाई आप कर रहे हैं अगर एक्टर वो है किताब पढ़ के। जैसे मान लीजिए मैं एक विलियम शेक्सपियर की किताब पढ़ लूंगा तो शायद मैं 200 रुपए कमा लूंगा और फिर मैं वो खर्च करूंगा रंगमंच पे। और ये भी कहा जाता है, जैसे कहते हैं कोई भी मेहनत बेकार नहीं जाती, रहते कुछ भी पढ़ा हुआ बेकार नहीं जाता। अगर आप एक सिंपल सा ग्रह शोभा में ये भी पढ़ लेंगे कि सिंपल कैसे हटाते हैं, तो वो पढ़ा हुआ भी कहीं ना कहीं रंगमंच में काम आता है। जी बिल्कुल। इस बात को जोड़ते हुए मैं कहना चाहूंगा कि पढ़ना बहुत जरूरी है, पर रिसेप्टिव होकर पढ़ना बहुत जरूरी है, कि जो आपने पढ़ा उसे अब्सॉर्ब करो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो नहीं समझ में आ रहा तो डिस्कशन करो कि ये क्या पढ़ा मैंने, इससे इसका क्या मतलब होता है। थिएटर में एक बहुत अहम चीज होती है कैरेक्टराइजेशन, या जैसे कि कैरेक्टर के लेयर्स को पकड़कर फिर उसको निर्माण करना स्टेज पर, जो एक एक्टर का क्राफ्ट होता है वो फाइन होगा, महीन तब होगा जब उसका सब उसे पड़ा होगा। जैसे अगर मान लीजिए मैं एक वर्ल्ड वॉर वन का नाटक कर रहा हूँ, कोई जो वर्ल्ड वॉर वन पे है, तो अगर किसको ये पता नहीं कि वर्ल्ड वॉर वन में रशिया किस साइड था, भारत किस साइड था, या जिस देश का मैं दिखाना चाहता हूँ वो किस किस साइड था, उसकी विचारधारा क्या थी, या फिर उसको ये भी नहीं पता है कि वर्ल्ड वॉर क्या होता है, और वो नाटक करने के लिए उसकी आवाज अच्छी, उसकी बॉडी अच्छे, वो ऐसा नाचा है तो वो ऐसा एक्टर है करके अगर वो आपसे कट करना चाहता है तो वो उसको कैरेक्टराइजेशन में उसको जस्टिस नहीं कर पाया, क्योंकि उसकी पढ़ाई नहीं। पढ़ाई सच में उतनी जरूरी है कि उसे जितनी शरीर में सांस, जैसे भूपेंद्र जी ने कहा शरीर में जितनी सांस जरूरी होती है विद्यारण के लिए, जरूरी है पढ़ाई। अगर 7 महीने की तो वो लाश है, वो स्टेज पे वैसे दिखेगा, कुछ संवाद बोल रहा है तो उसका डेप्थ है कि नहीं है, कुछ उसका मुश्किल है। हाँ, वो जो भी करने जाएगा वो कोई किरदार करेगा तब वो जीवंत नहीं लगेगा। नीरज जी के हिसाब से किसी किरदार को समझने के लिए, उसको जीने के लिए, उसके पीछे की बातों को समझने के लिए पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। रंगमंच करने के लिए और करते रहने के लिए फिर तो जो हमको पढ़ते रहना है, तो उसके लिए चित्रांश अर्पा रेडियो के श्रोताओं को संदेश देना चाहे या अपनी बात रखना चाहे तो क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा श्रोताओं को कि अगर आप थिएटर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये मैटर नहीं करता है। आजकल सर एक फेक न्यूज का जमाना चल गया है,
हम बहुत बुरे शिकार हो गए हैं। हमें कुछ लोगों ने फेक न्यूज के माध्यम से पूरा हमारे दिमाग के ऊपर कब्जा कर लिया है बाजार में, या कुछ स्पेशल पावर थी तो वो बहुत खतरनाक है। इसलिए भी हमें पढ़ते रहना जरूरी है, हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए कि ये चीज सच है या नहीं। एक नॉर्मल भी, सिर्फ थिएटर की या मैं किसी कलाकार की बात नहीं कर रहा हूँ, हर आम आदमी की बात कर रहा हूँ कि उसे भी एटलीस्ट एक इतना पढ़ना चाहिए कि उसे उसको निर्णय देने की शक्ति हो। आजकल निर्णय इंटरनेट लेता है, मुझे क्या खाना है, मुझे क्या पीना है, ये वो बता रहे हैं। इसलिए हमें पढ़ना जरूरी है। चित्रांश जी बिल्कुल आपने बहुत सही बात रखी। आजकल बहुत सारी फेक न्यूज चल रही है, इतने सारे माध्यम हो गए हैं कोई न्यूज आने के, कोई बात आने के, इतने सारे माध्यम हो गए हैं, सोशल प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं। वास्तविकता को जानने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, चाहे वो फिर किसी भी फील्ड का हो, जरूरी नहीं कि रंगकर्मी हो, आपका कोई भी प्रोफेशन हो, किसी भी पेशे में, तो आपको पढ़ते रहना है और आपको खुद को अपडेट रखना है। बहुत सही बात की है जी। तो इसके बाद मैं वापस जाता हूँ भूपेंद्र सेठिया के पास जो कोंडा गाँव से है। तो भूपेन्द्र जी आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे? अरुण सर, मैं नीरज सर और चित्रांश सर की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जैसे चित्रांश सर बोल रहे हैं कि जो थिएटर नहीं कर रहे हैं उनको भी पढ़ना चाहिए, और नीरज सर ने एक बात कही कि स्विमिंग आनी चाहिए, इंजीनियरिंग आनी चाहिए, साइंस आनी चाहिए, हर चीज पढ़ना चाहिए। मुझे एक बात याद आ रही है, जब हम चित्रांश के साथ बैठे थे उन्होंने मुझसे एक बात कही थी कि भूपेन्द्र सर अगर रास्ते में कहीं कागज का टुकड़ा गिरा हुआ है और उसमें कुछ लिखा हुआ है तो उसको भी पढ़ लो, उसको भी मत पढ़ो। बहुत सही। और मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहता हूँ, जो थिएटर है वो है क्रिएशन करना। हम नाटक क्रिएट करते हैं, एक्टर जो होता है वो कैरेक्टर क्रिएट करता है, डायरेक्टर जो है वो डायरेक्शन के लिए भी उसके लिए क्रिएटिविटी चाहिए। लाइट जो मैन होता है, लाइट डिजाइनर, वो भी कुछ क्रिएट करते हैं। बिल्कुल। और क्रिएटिविटी आती है नॉलेज से, और नॉलेज आता है किताब से। क्रिएशन का जो मूल है वो पढ़ना है, चाहे वो लाइट डिजाइनर हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो एक्टर हो, जो किसी भी तरीके से जुड़े हुए हैं नाटक से। जी। इवन ऑडियंस भी, ऑडियंस को भी पढ़ना जरूरी है जो जी, 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 नाटक देख रहे हैं। जी बिल्कुल। रंगमंच से जुड़ी हुई जितनी भी विधाएं हैं, जितने भी डिपार्टमेंट है, जो जिसमें भी काम करना चाहता है, जिसमें भी आगे बढ़ना चाहता है, जो कुछ रचना करना चाहता है, उस रचनात्मकता के लिए पढ़ते रहना बहुत जरूरी है। बहुत सही बात कही है भूपेन्द्र ने। इसके साथ में हम नीरज जी पुणे से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज जी आप क्या कहना चाहेंगे अपनी कोई बात हमारी श्रोताओं से? ऐसा होता है कि अक्सर हम किसी के पास चले जाते हैं, कहते हैं यार मैं पढ़ना चाहता हूँ, मुझे तुम कोई किताब बताओ। होता है कि कोई आपको कोई किताब बता देता है तो आप वो किताब पढ़ लेते हैं, फिर कहते हैं कि यार मैंने तो प्रेमचंद पढ़ लिया, आप बताओ मैं क्या पढ़ूं। किसी पर निर्भर रहना इस पढ़ने की प्रक्रिया को कमजोर करता है, क्योंकि ये जो पढ़ना है वो एक यात्रा है। उस यात्रा में आप असीम अपने हिसाब से चल सकते हैं, अपना डिस्कवर कीजिए। हो सकता है कि आप 10 बुरी किताबें आप पढ़ें या 10 बुरी चीजें आप देखें, तो 11 चीज जो मिले आपको लगे कि हाँ ये मेरा कुछ टेस्ट और मुझे इसमें मजा आ रहा है, फिर वो आपको कहीं पर लेके जाएगा। तो ऐसा है कि आपने ट्रेन की टिकट ले ली पर आपको पता नहीं आप कहाँ जा रहे हो, उस ट्रेन में आप सफर कीजिए, वो आपको कहीं उतार लेगा, फिर आप दूसरी ट्रेन में जाइए। तो उस तरह से है वो एक्सपीरियंस को, उस तरह से उनको समझना चाहिए। पढ़ने की जो बात है ना कि जब आप पढ़ेंगे तो आपका जो माइंड है वो विकसित होता है, तो जब माइंड विकसित होता है तो इंसान के दरवाजे खुलने लगते हैं। जो पहले वो 2 दरवाजे देखता था, अभी वो 1000 देखता है, और फिर वो जब आप उन दरवाजे में से एक चले जाते हैं तो उधर और 1000 दरवाजे आते हैं। तो दरवाजे खोलता 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 कई सारे अपने दरवाजे खोल देता है। तो ये जो यात्रा है उसको एंजॉय करना चाहिए, और ये नहीं रहता कि मेरा टारगेट है कि महीने में मैं 2 किताब पढ़ू या मेरे साल में 100 किताब पढ़ू। पढ़ो, और वो एक लाइव इवेंट है कि मैं अभी पढ़ रहा हूँ और रोज मैं पढ़ रहा हूँ। मेरी राय यही है कि अपनी यात्रा आरंभ करो, अपनी पहली किताब पढ़ो। अगर आप पढ़ रहे हैं और पढ़ना छोड़ चुके हैं, कोई और एक किताब उठाओ और उसे पढ़ो, और उस किताब से जोड़ के कोई और किताब, ऐसे ये यात्रा अनवरत जारी रहे। यात्रा जारी रहेगा। नीरज जी आपने बहुत सही बात कही, पढ़ना एक यात्रा की तरह है और ये यात्रा अनवरत जारी रहनी चाहिए। यदि सारी बातों के बीच में, जैसे कि भूपेन्द्र जी ने कहा, पढ़ना है, पढ़ के लेना है और फिर उसको आगे हमको देना है, कोई भी फील्ड हो, हम जो कुछ भी काम कर रहे हैं, उन सबको पढ़ना बहुत जरूरी है। ऐसा चित्रांश ने कहा, जो वो बिल्कुल सही बात है कि हम किसी भी फील्ड में, पर हम पढ़ते रहें, सीखते रहें, समझते रहें। और सबसे आखिर में नीरज जी की बात को मैं रखूंगा, और ये मुझे लगता है कि इन सारी बातों के साथ में ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम ये तो बात कर रहे हैं कि हमको पढ़ना है, पढ़ते रहें, सिर्फ उससे कुछ नहीं होगा। नीरज जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि हमको सिर्फ पढ़ना नहीं है, हम जो पढ़ रहे हैं उसके संदर्भों को भी समझना है। तो सिर्फ पढ़ के कुछ नहीं होगा,
हमको पढ़ते हुए उन चीजों को, उन किताबों को, उन किस्से कहानियों को, अखबार में छपी खबरों को और उन सारी खबरों किस्से कहानियों के पीछे की बातों को हमको समझना पड़ेगा और उस समझ के साथ ही हम आगे कुछ रचना कर पाएंगे, आगे कुछ हम दिखा और दर्शा पाएंगे। इस बात के साथ में हम आज की टॉकचीत को यहीं विराम देते हैं। अगली टॉकचीत तक अरपा रेडियो की तरफ से मैं अरुण भांगे आप सभी श्रोताओं और रंगकर्मी साथियों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए धन्यवाद करता हूं और हम दुआ करते हैं आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जबरदस्त रहें। थैंक यू सो मच।